मुरादाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री व प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने तहसील सदर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुनी और मौके पर सभी शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। इस अवसर पर उन्होंने सभी जरूरतमंद को कंबल वितरित भी किए और मौजूदा अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए कि सभी गरीब तबके के लोगों की समस्याओं का समाधान हो और हर तबके के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने तहसील सदर में सभी अधिकारियों से बातचीत की और कुछ अधिकारियों को अपने विभाग के बारे में जानकारी न होने के कारण उन्होंने नाराजगी भी जाहिर करी। डॉक्टर महेंद्र सिंह का ये कहना है कि हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि हर वर्ग को उस सरकार का लाभ मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और प्रभारी मंत्री मुरादाबाद डॉक्टर महेंद्र सिंह मंगलवार को मुरादाबाद पहुंचे, जहां पर भाजपा के पदाधिकारी व जिला प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने मुरादाबाद के कांठरोड स्थित सदर तहसील में पहुंचकर संपूर्ण समाधान दिवस में आए हुए शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुनने के साथ मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए। इस अवसर पर मुरादाबाद जनपद के सभी विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर बढ़ती ठंड में गरीब तबके के लोगों को राहत देने के लिए कंबल वितरण किए, जिसमें सभी लोगों को विधायक रितेश कुमार गुप्ता, राजेश कुमार चुन्नू, उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग के उपाध्यक्ष गोपाल अंजान, भाजपा के महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा के साथ जिला अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी के माध्यम से सभी को कंबल वितरित किए गए। इस दौरान जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी, SDM सदर प्रेरणा सिंह के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान कंबल वितरण करते हुए प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने सभी लाभार्थियों से बात की, जहां पर कई लाभार्थियों ने अपनी समस्याएं कही, जिस पर मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि सभी लाभार्थियों की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाना चाहिए। प्रभारी मंत्री ने सभी लाभार्थियों से बातचीत करने के साथ ही विश्वास दिलाया कि उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए काम कर रही है। इस दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी अनुपमा शांडिल्य ने ये बताया कि जिले में पोषण माह के दौरान सभी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को फायदा पहुंचाने के साथ बच्चों को भी पोषण पोटली वितरित कराई जा रही है। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने भी सभी लाभार्थियों को पोषण पोटली वितरित की। इस अवसर पर महिलाओं के साथ बच्चे भी मौजूद रहे, जिन्हें प्रभारी मंत्री ने पोषण पोटली वितरित करने के साथ ये बात की कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, जहां पर बच्चों ने सहमति दर्ज कराते हुए कहा कि हमें हर संभव सहायता मिल रही है। प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बैठक के दौरान सभी मौजूद अधिकारियों से उनके विभाग में किए जा रहे कामों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान कई जानकारी ठीक ढंग से न मिलने पर प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने नाराजगी भी जाहिर की और कहा कि अपने विभाग में क्या कार्य चल रहा है उनकी जानकारी पूरी होनी चाहिए। इस दौरान महेंद्र सिंह ने तहसील का भी निरीक्षण किया और किए गए कामों को देखकर सराहा भी। मैं चाहूंगा कि आप थोड़े से अपने व्यवहार से लोगों के अंदर ऐसा माहौल पैदा कर दीजिए कि आपके जवान पे आपके अच्छे भाव से लोग आपका नाम लेने लगे, अपनी पहचान को बनाए रखते हुए। कैसे हो सकता है, कोशिश करिए, अच्छा होगा, मुझको ऐसा लगता है। आप सबका बहुत धन्यवाद। अगली बार हम लोग किसी बैठक में मिलेंगे तो कम से कम अपने डिपार्टमेंट के फिगर्स अपने जगह डिपार्टमेंट को पता हो और अपनी चीज़ों को लगभग में बताना और परसेंटेज में बताना, ये दोनों शब्द हमको अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि मैं जितनी चीज़ बताता हूँ सब एक्यूरेट बताता हूँ, तो आप अपनी फिगर्स भी एक्यूरेट बताइए। और कोई अगर डायरी देखे बिना, लैपटॉप टैब के देखे बिना, बिना कंप्यूटर के, बिना मोबाइल के अपनी फिगर्स बताएगा तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। आगे हम उम्मीद करते हैं कि जब कभी हम लोग मिलेंगे तो आप लोग अपनी फिगर्स से अपडेट रहेंगे।